तो दोस्तों रिजल्ट आ चुका है 12 का, उसके बाद हम लोग निकलते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो हम आते हैं अपने स्टेशन पे और निकल लेते हैं कानपुर के लिए और पहुंच जाते हैं कानपुर रात के वो भी 10 बजे। और वहाँ से जाना था हम लोगों को कानपुर रूम पे अपने, तो रूम के लिए ऑटो ढूंढते हैं। ऑटो तो मिलता है लेकिन बहुत ही महंगा मिलता है, अब क्या करें, मजबूरी थी तो देना पड़ता है पैसा मजबूरी में। तो उसके बाद हम लोग ऑटो पा जाते हैं, ऑटो पाते ही पूरा सामान का ले जाते हैं स्टेशन से ऑटो की तरफ और ऑटो पे लाते हैं। हालत तो बहुत गंभीर हो गई थी, गर्दन तो मुड़ गए थे, इतना भारी सामान था, 5-6 बोरी कुछ बैग और हम 3 थे, लेकिन तभी भारी बहुत था। उसके बाद पूरा सामान लाते हैं, लाते ही हम लोग चल पड़ते हैं और ऑटो अपने रूम की तरफ चलते हैं और कुछ ज़िंदगी में नई ज़िंदगी बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हम तीनों लोग सोच में डूबे हुए ऑटो पर बैठे हुए और चलते हैं अपने रूम की ओर। और कुछ देर बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने रूम पर, जो कि कानपुर से लगभग 10 किलोमीटर होता है। और धीमे धीमे पहुँच जाते हैं और पूरा सामान रात को ही उतार कर उसके बाद पूरा सामान को रख देते हैं और दूसरे दिन पूरे सामान को अच्छे से सिस्टमेटिक से रख देते हैं और शुरू करते हैं नीट की प्रिपरेशन और देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।